समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशों पर सदर तहसील में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। औरैया तहसील परिसर में सपा जिला अध्यक्ष राजवीर यादव, सपा पूर्व विधायक प्रदीप यादव, पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह, जिला प्रमुख महासचिव ओम प्रकाश ओझा, योजन सभा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, तेहराज सिंह यादव एवं जिला सचिव पूती यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन नजर आया। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी औरैया, सदर SDM औरैया को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अखिलेश यादव के आह्वान पर फिर सड़कों पर उतरेंगे समाजवादी। समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। सदर तहसील औरैया में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर औरैया अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, क्षेत्राधिकारी सदर सुरेंद्रनाथ सिंह, शहर कोतवाल सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से इतने अपराध बढ़ चुके हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में इतनी खराब सरकार नहीं आई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अधिकारियों द्वारा जनता की लूट, किसान परेशान, नौजवान परेशान, हम लोग उसी का विरोध आज पूरे प्रदेश में हर तहसील स्तर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी लोग विरोध करने आए हैं। अध्यक्ष जी, क्या ये प्रदर्शन प्रदेश व्यापी है या इसके आगे भी आगे कोई रणनीति बना रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी की रणनीति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार बनाई जाती है। अभी व्यापक स्तर पर इस सरकार का विरोध करेंगे हम लोग। अपना प्रदर्शन होगा, अगर मौका मिला, अगर जरूरत पड़ी तो जेल भरेंगे, जेल आंदोलन करेंगे। संविदा पर रखने की व्यवस्था कर दी गई है। किसान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, व्यापारी परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। आज पूरी समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में स्तर पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम किया है और तीनों तहसीलों में जिला अध्यक्ष राजवीर यादव के नेतृत्व में सारे सपाइयों ने मिलकर, नौजवानों ने मिलकर, नौजवानों का जो हुजूम दिखाई दे रहा है, नौजवान आज समाजवादी पार्टी के साथ सड़कों पर ज्ञापन दिया गया, जहां संबंधित पदाधिकारी और स्टेडियम साहबान द्वारा ज्ञापन दिया गया है, सब संपन्न रूप में हुआ और हर जगह पोस्ट लगा हुआ था जिससे कि आम जनता को कोई असुविधा का सामना करना पड़े और सब कुछ सफल हुआ। सर, देखा गया है जो आंदोलनकारी थे इनमें किसी भी COVID-19 के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई? निश्चित रूप से जो पालन नहीं किए हैं तो उसके उल्लंघन को दोषी पाते हुए कार्रवाई की।